धनबाद के सराय ढेला शिव मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इलेक्ट्रॉनिक रथ पर सवार होकर निकली है। इलेक्ट्रॉनिक रथ की ऊंचाई 30 फीट है। इस रथ का निर्माण IIT के छात्रों ने किया है। बैंड बाजे के साथ शिव मंदिर परिसर से रथ यात्रा आरंभ हुई। इस रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रथ यात्रा सरायढेला शिव मंदिर से शुरू होकर धनबाद क्लब तक पहुंची। हजारों साल की ऐतिहासिक परंपरा रही है जगन्नाथ पुरी में। जैसे ही जगन्नाथ रथ स्वामी का रथ निकलने के लिए आरंभ होता है, उसके पहले पूरे उड़ीसा के जो राजा हुआ करते थे, उस समय में कि जगन्नाथ स्वामी के सामने हम सारे लोग बहुत तुच्छ और केवल एक सेवक मात्र है। भले इस संसार की पद और उपाधि क्यों ही न हमें प्राप्त हो, फिर भी जगन्नाथ स्वामी के सामने हम सब केवल एक सेवक ही रहते हैं। 5 स्थानों पर रथ को रोककर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन किया गया। सांसद विधायक द्वारा आरती एवं रथ के सामने झाड़ू लगाने के बाद रथ यात्रा की शुरुआत हुई। क्लब में पुष्पांजलि, आरती, कथा, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भक्तों के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक रथ से सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण को निकले हैं। इस्कॉन की तरफ से आयोजित इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।